नेपाल वर्सेस स्कॉटलैंड मैच यानी कि फर्स्ट प्रैक्टिस मैच, और इसमें नेपाल हार गया। एक और शोक दे दूं, अच्छा हुआ हार गया। अबे रुको 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 बे, अनलाइक मत ठोको, पहले पूरी बात तो सुनो। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम जानेंगे कि किस तरह नेपाल हारा है इस मैच को, इस तरह। और हारने से भी नेपाल को बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, मैं कहूं कि जीतने से ज्यादा प्रॉफिट है, यकीन नहीं करेंगे। लेकिन जब वीडियो को पूरा देख लोगे ना तो बिल्कुल यकीन करोगे, बिल्कुल इस बात से सहमत भी होगे कि हाँ सही है, हार गया नेपाल तो अच्छा ही हुआ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैच के रिव्यू के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले नेपाल को बैटिंग करने का मौका मिला, नेपाल ने बिल्कुल भी खास कोई प्रदर्शन करा नहीं। आसिफ शेख ने हाईएस्ट रन लगाए 28 36 गेंदों के अंदर, 5 चौके शामिल थे, 77 की स्ट्राइक रेट थी। वहीं पर अगर बात करें दोस्तों कुशल बुटेल की, तो उन्होंने 16 रन लगाए 24 गेंदों के अंदर, यानी कि सेकंड हाईएस्ट स्कोर आप सोच सकते हैं। 16 ही रन था तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अब कहां टारगेट बड़ा बनने वाला था। भीम सारकी की अगर बात करें तो उन्होंने 8 रन लगाए, उसके बाद ज्ञानेंद्र मल्ला जो कि 7 रन लगाए, कुशल मल्ला जिन्होंने 37 रन की पारी खेली कहीं ना कहीं 26 गेंदों के अंदर, 4 चौके और 2 छक्के उनके बल्ले से जरूर आए। वहीं पर दीपेंद्र सिंह एरी 13 रन लगाए, और इसके साथ साथ अगर बात करें 16 गेंदों के अंदर 1 चौका भी उनके बल्ले से आए। आरिफ शेख की बात करें 5 रन, गुलशन झा 5 रन, इसके साथ साथ सोमपाल कामी वो भी कहीं ना कहीं 3 रन पर आउट हो गए। करण केसी की बात करें वो भी 4 रन बना पाए, यानी कि कहने का मतलब है पूरी की पूरी जो नेपाल की टीम है वो 135 रन ही बना पाई। और इससे भी बड़ी दुख की बात ये थी कि 28.5 आवर यानी कि लगभग 29 आवर भी पूरे नहीं खेल पाई, और यही सबसे बड़ी दुख की बात थी। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों स्कॉटलैंड की, तो उन्होंने अच्छा यहाँ पे कमबैक भी करा, ऐसे कह सकते हैं कि ना केवल उनके जो बॉलर्स थे उन्होंने अच्छा कमाल करके दिखाया, जबकि स्कॉटलैंड की बैटिंग भी जबरदस्त रही ऐसा कह सकते हैं। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे उन्होंने 29.1 आवर के अंदर इस मैच को जीत लिया, और उन्होंने इस टारगेट का पीछा करते हुए 137 रन ठोक डाले मात्र 3 विकेट गवाकर। जिसके अंदर अगर बात करें ब्रिंगटाउन की, तो उन्होंने 41 रन की पारी खेली, और एमसी मिलन की तो उन्होंने 59 रन की पारी खेली। और कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ पे कैन ने भी भेजा है अभी कि नेपाल ने फर्स्ट प्रैक्टिस मैच जीत लिया। अब मैंने सबसे पहले आपको बोला था कि नेपाल जीतता तो अच्छा होता, लेकिन नेपाल हार गया तो बहुत ज्यादा अच्छा हुआ। ऐसा क्यों बोला मैंने उसको जान लीजिए आप। सबसे पहली बात तो ये कि नेपाल की टीम पिछले सारे मैच जीतती आ रही है, हो सकता है थोड़ा बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो, जिसकी वजह से ये मात्र प्रैक्टिस मैच है, इसका कोई ना तो पॉइंट जुड़ने वाला, ना कोई कहीं पे हम कह सकते हैं कि ऐसी जगह ग्रोथ होने वाली जहां पे हमारी टीम को कहीं लॉस हो, बिल्कुल भी लॉस नहीं, यानी कि जीरो लॉस पे खेल रही थी। और उसमें अगर हार का सामना करना पड़ा है तो खुद का वो चेहरा सामने आया कि हमें मेहनत की जरूरत है, हमें और मेहनत करनी पड़ेगी जब जाके हम क्वालिफाई कर पाएंगे। या फिर वो मोटिवेशन अब लाया जा सकता है मोंटी देसाई के द्वारा भी कि आपने जो आज किया है वो ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी बड़ी बात दोस्तों प्रॉफिट ये है कि पिच पता नहीं थी कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका की, और साउथ अफ्रीका के अंदर जब नेपाल गया था तब से मैं बात एक ही कर रहा था कि पिच रिपोर्ट को पता करना पड़ेगा, किस खिलाड़ी की क्या गलती है वो भी पता करना पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले आप देख सकते हैं स्कॉटलैंड के साथ बहुत से मैच हुए हैं जिसके अंदर लगभग नेपाल जीता है, और यह सबसे बड़ी बात है कि आज नेपाल हार गया वो भी प्रैक्टिस मैच के अंदर। उसका बड़ा रीजन ये भी था कि जो नेपाल के बैट्समैन थे ना तो उनको पिच रिपोर्ट या फिर हम कहें कि पिच का इतना ज्यादा ज्ञान हुआ साउथ अफ्रीका के अंदर। और वहीं पे अगर बात करें बॉलर्स की, तो बॉलर्स को भी इतना ज्यादा कुछ खास ज्ञान नहीं हुआ इस पिच के बारे में, जिसकी बदौलत उन्हें कोई ज्यादा विकेट भी नहीं मिले, जिसी की बदौलत यहां पे 3 ही विकेट मिले, और स्कॉटलैंड ने इस स्कोर को आसानी से 29 ओवरों में कंप्लीट कर लिया। पॉजिटिव बात यह है दोस्तों कि इस मैच के द्वारा सीखा जा सकता है, आगे 3 यहां पे प्रैक्टिस मैच और है और उनके अंदर कमबैक किया जा सकता है। अगर इस मैच से सीखकर मोटिवेशन लेकर इस मैच में जो करी गई गलतियां थी उनको यहां पे दोबारा न दोहराकर अगर नेपाल की टीम खेलती है तो आगे आने वाले यहां पे प्रैक्टिस मैच है वो जीत सकती है। लेकिन इस मैच में लॉस बिल्कुल नहीं हुआ, हार गई तो भी कोई लॉस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही दिख रहा है। और अब मुझे बताइए कि क्या इस मैच को खोकर कोई नेपाल को नुकसान हुआ है या फिर अच्छा हुआ है, इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने आ जाऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।